बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस 2, लेक्चर नंबर 22 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक होगा इम्प्लिसिट आयलर्स मेथड की एप्लीकेशन से कनेक्टेड रहेगा, और आज हम अपने इम्प्लिसिट आयलर मेथड की कम्प्लीट एप्लीकेशन को वाइंड अप करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इम्प्लिसिट आयलर मेथड को स्टेट एंड प्रूफ कंप्लीट अंडरस्टैंड किया, ठीक है। तो जो हमने फॉर्मूला प्रूव किया उसमें जो लास्ट पे हमें हमारे पास प्रिडिक्टर और करेक्टर स्टेप था, वो आपने क्वेश्चंस में एप्लीकेशन में परफॉर्म करवाना होता है, और वो आज हम उसको परफॉर्म करना अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज हमने इम्प्लिसिट आयलर मेथड का 2-स्टेप क्राइटेरिया मेथड को अडॉप्ट करना है, यानी कि आपने प्रिडिक्टर और करेक्टर स्टेप का जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करते हुए इम्प्लिसिट आयलर मेथड को एप्लीकेशंस में परफॉर्म करवाना होगा। तो इसके लिए ये क्वेश्चंस मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाना है, और आज के लेक्चर से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस होंगी वो आप सभी स्टूडेंट को डिस्क्रिप्शन में चैनल की जो डिस्क्रिप्शन होगा, मतलब जो आज का लेक्चर है इसकी डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल लिंक शेयर कर दिया जा रहा है, और आप सभी स्टूडेंट्स पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसमें जितने क्वेश्चन परफॉर्म करने के लिए सभी स्टूडेंट्स को परफॉर्म करने के लिए दिए गए हैं वो आपने अपने नोट्स के अंदर नीट एंड क्लीन उनको राइट कर लेना है, ठीक है, परफॉर्म करना है सभी स्टूडेंट्स ने। तो कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1, विद एच इज इक्वल 0.1, ये आपके पास इक्वी स्पेस डेटा के लिए 0.1 स्टेप साइज है, या इसे स्टेप लेंथ भी कह सकते हो। और इसके लिए हमें जो परफॉर्म करना है, फाइंड दी न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑन दिस इंटरवल 0 <x> 1, इट्स मीन 0 और 1 ओपन इंटरवल है, बट जब आपने यहाँ से x की n की वैल्यू को फाइंड करना होगा कि नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने होने चाहिए, तो उसके लिए आपको ये लोअर लिमिट का 0 इसको भी आपने इंक्लूड करना है, और जो अपर लिमिट का जो 1 है इसको भी आपने इंक्लूड करना है। इट्स मीन कि a की वैल्यू 0 आप लेंगे और b की वैल्यू 1 लेंगे, यानी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। By using implicit Euler's method, यानी आपने implicit Euler method के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, और इसके लिए जो initial value problem का first derivative जो आपको given है वो है y dash equal है y square plus 2x minus x raised to power 4, और इसके लिए जो आपको initial problem का जो condition है वो दी गई है y into 0 is equal 0, it's mean x naught की value 0 है, y naught की value भी 0 है, और इसको आपने आल्सो शो करना है एंड आल्सो कंपेयर योर रिजल्ट विद द एग्जैक्ट सॉल्यूशन y इज इक्वल x स्क्वायर। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको ये दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग आपने उनकी वैल्यूज को परफॉर्म करना है जब हम वो नंबर ऑफ इंटरवल रियल फील्ड के लिहाज से अप्लाई कर देंगे। तो वहाँ पर जितना भी वो रियल फील्ड होगा वो आपने शो करना है। इट्स मीन कि आपने अप्रोक्सीमेट आंसर बताने हैं और एग्जैक्ट आंसर्स बताने हैं। जब आप अप्रॉक्सीमेट और एग्जैक्ट को परफॉर्म कर लेंगे तो फिर वहाँ से आपने एरर भी बता देना है, ठीक है। एरर होता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू माइनस एग्जैक्ट वैल्यू। तो क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं हम। इसका जो सॉल्यूशन है, गिवन डैट कैपिटल एफ इंटू एक्स कोमा वाई, जो कि वाई डैश के इक्वल है, और ये इक्वल है वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स रेज टू पावर 4, ठीक है। ये आपके पास y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव है, और इसके लिए जो कंडीशन है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की वो है y इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, और इसके लिए जो इंटरवल है x बिलोंग्स टू 0.1 ओपन इंटरवल है विद h इज इक्वल 0.1, ये आपके पास स्टेप साइज है। अब यहाँ से आपने परफॉर्म करना है नंबर ऑफ इंटरवल्स, यानी स्मॉल n को कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ n होता है, यानी नंबर ऑफ इंटरवल n इक्वल होता है b माइनस a ओवर h, इट्स मीन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होल डिवाइडेड बाय स्टेप साइज। बी की वैल्यू 1 है माइनस ए की वैल्यू 0 है डिवाइड बाय एच की वैल्यू 0.1 है, फिर आपने इसको कैलकुलेट करना है 1 ओवर 0.1, तो ये आंसर आ गया 10। ये हमारे पास नंबर ऑफ इंटरवल्स का बन चुके हैं 10। जब आपने इसको रियल फील्ड पे शो करना है तो ये जो आप ऐसे स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ये इसके स्टेप्स आपने ड्रॉ कर लेनी है इक्वी स्पेस्ड के लिए, ठीक है। ऐसे जब आप स्टेप साइज के ये शो कर लेंगे स्टेप साइज, तो ये जो फर्स्ट वाला होगा ये आपने स्टार्टिंग 0 से लेना है,
और साइज़ जो होगा 0 से 0.1 का आपने डिफरेंस 0.1 का रखना होता है, फिर ऐसे 0.1 से ऑनवर्ड 0.2 तक आना है, इनका डिफरेंस जो है 0.1 से 0.2 ये भी 0.1 ही है, फिर 0.2 से 0.3 तक आना है, ऐसे चलते चलते ये आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे 1.0 तक, यानी कि आपका जो इंटरवल है 0 से स्टार्ट होता है और 1.0 पे क्लोज हो जाता है। ओपन इंटरवल तो है लेकिन आपने यहाँ तक आपने स्टॉप कर देना होता है। और ये जो आपने स्टेप्स शो किए हैं ये टोटल 11 है, यानी कि आपको मैंने अंडरस्टैंड करवाया हुआ है इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन के लिए कि जब भी आप फाइंड कर रहे हो नंबर ऑफ इंटरवल्स, तो अगर आपके पास 10 है तो आपने एक पॉइंट एक्स्ट्रा शो करना होता है, ठीक है, रियल फील्ड के लिए। ऑनवर्ड हमने क्राइटेरिया फॉलो करना है बाई यूजिंग टू स्टेप इम्प्लिसिट आइलर्स मेथड फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका प्रेडिक्टर स्टेप लिखना है, यू एन इक्वल वाई एन प्लस एच एफ इंटू एक्स एन कॉमा वाई एन, ये आपके पास प्रेडिक्टर स्टेप है। फिर वाई सब्सक्रिप्ट एन प्लस वन इक्वल वाई एन प्लस एच एफ इंटू एक्स एन प्लस वन कॉमा यू एन, ये आपके पास करेक्टर स्टेप है। प्रेडिक्टर और करेक्टर स्टेप के लिहाज से आपने परफॉर्म करना है। अब इनके अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्टर और करेक्टर को थोड़ी शेप दे लेते हैं कि जो कैपिटल एफ इंटू एक्स एन एक्स एन कॉमा वाई एन है और एफ इंटू एक्स एन प्लस वन इन कॉमा यू एन है, यानी ये जो फॉर्म्स हैं इनको हमने इनकी वैल्यूज़ में लेके आना है और वो हमें गिवन फंक्शन में दिया है उसको हम यहाँ पर होल्ड करवाएंगे। तो यू एन इक्वल हो जाएगा वाई एन, ये देख सकते हैं वाई एन, ठीक है, प्लस एच की वैल्यू 0.1 है वो हमने यहाँ पर पुट कर दी है। उसके बाद कैपिटल एफ इंटू एक्स एन कॉमा वाई एन को हम ये फंक्शन में लेके जाने लगे हैं, ये हो जाएगा वाई एन स्क्वायर प्लस टू एक्स एन माइनस एक्स एन रेज टू पावर 4, ठीक है, ये आपका प्रेडिक्टर स्टेप बन गया। अब हमने करेक्टर स्टेप यहाँ से बनाना है, तो इसके लिए बन जाएगा वाई सब्सक्रिप्ट एन प्लस वन इक्वल वाई एन प्लस 0.1, यानी एच की वैल्यू 0.1 हमने लिख दी। उसके बाद कैपिटल एफ इंटू एक्स एन प्लस वन कॉमा यू एन, इसके लिए ये बन जाएगा जो आपके पास गिवन फंक्शन y था उसकी जगह ये u आ जाएगा, ठीक है, और x की जगह एक्स एन प्लस वन आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये बन गया यू एन का स्केयर प्लस टू एक्स सब्सक्रिप्ट एन प्लस वन माइनस एक्स सब्सक्रिप्ट एन प्लस वन होल रेज टू पावर 4। तो ऐसे आपने ये करेक्टर स्टेप को राइट कर दिया। तो ये प्रेडिक्टर स्टेप है फर्स्ट लाइन और ये आपके पास सेकेंड लाइन करेक्टर स्टेप है, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन जब आप परफॉर्म कर लेंगे तो फिर ये आपके पास क्या बनेगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बनेगी, ठीक है, यानी फॉर वन टाइम। और इसमें जब आपने यू एन को कैलकुलेट कर रहे होना है तो इसमें वैल्यूज अगर आप एन की वैल्यू जीरो पुट कर रहे हो तो यहाँ पे सभी जगह एन की जगह जीरो आ जाएगा, तो आपको वहाँ से यू जीरो फाइंड हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे आ जाना है कि वाई वन, जब आपने यहाँ पर करेक्टर में मूव आना है तो यहाँ पर एन की वैल्यू जीरो रखेंगे तो यहाँ पे वाई वन इक्वल हो जाएगा वाई नॉट प्लस 0.1 इंटू यू नॉट का स्क्वायर प्लस टू एक्स वन माइनस एक्स वन का स्क्वायर एक्स वन के पास 4। तो यहाँ पे आपने वो वैल्यूज को पुट कर देना है, यू नॉट की वैल्यू आपका ये जो प्रेडिक्टर स्टेप का आंसर होगा वो आपने यू नॉट में पुट करना होता है। फिर ऐसे वाई नॉट और यहाँ पे एक्स वन और ये एक्स वन, ये वैल्यूज आपने जो गिवन है उनके अकॉर्डिंग, ये जो एक्स वन होगा ये तो आपका रियल फील्ड से आ जाएगा और जो वाई नॉट होगा ये आपका इनिशियल कंडीशन है। तो ऐसे वो वैल्यू सभी आपको नोन हो जाएंगे, आप उनको पुट करेंगे तो आपको आंसर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का परफॉर्म हो जाएगा। फिर ऐसे ही आपने वर्क करते जाना है। अब इन वैल्यूज़ को मैं परफॉर्म करने लगा हूँ, देखें पुट n इज इक्वल टू 0, तो ये आप प्रेडिक्टर स्टेप में ऐसे पुट करने लगे हैं। यहाँ पर जब आप प्रेडिक्टर स्टेप में n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पर n की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा u नॉट इक्वल y नॉट प्लस 0.1 इंटू y नॉट की पावर 2 प्लस 2 x नॉट माइनस x नॉट की पावर 4। अब आपने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है, u नॉट इक्वल y नॉट की वैल्यू आपके पास इनिशियल कंडीशन क्लास से 0 है प्लस ये h की वैल्यू 0.1 एज इट इज़, y नॉट की वैल्यू 0 और इसका स्केयर 0 का स्केयर 0 ही होता है प्लस 2 इंटू एक्स नॉट की वैल्यू ये आपके पास 0 है रियल फील्ड में और x नॉट की वैल्यू ये भी 0 ही है। तो ये कंप्लीट इसका आंसर क्या आ गया, 0.0। उसके बाद आपने y1 में आ जाना है, y1 के लिए इक्वल है ये आपका करेक्टर स्टेप है, करेक्टर स्टेप ये है, ठीक है। इसमें आपने n की वैल्यू 0 पुट करनी है, जब आप यहाँ पर n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा वाई वन इक्वल वाई नॉट प्लस 0.1 इंटू यू नॉट का स्केयर प्लस टू एक्स वन माइनस एक्स वन पावर 4, ठीक है। अब आपने इनमें वैल्यूज़ को पुट करना है, वाई नॉट की वैल्यू 0 है प्लस 0.1 एज इट इज़, यू नॉट की वैल्यू 0 होगी, एक्स वन की वैल्यू 0.1, एक्स वन की वैल्यू ये भी 0.1, ये आपने रियल फील्ड से ली है एक्स वन की वैल्यू। फिर आपने इसको कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर की मदद से, तो ये आपको आंसर मिल गया 0.0200। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसको आपने अपनी कैलकुलेटर पे पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक
फिक्स कर लेना है, ठीक है। आपने पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपने आंसर को बताना होगा, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम मूव करने लगे हैं फॉर सेकंड अप्रोक्सीमेशन। इसके लिए आपने पुट करना है पुट n इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा u1 इक्वल, यानी जो आपके पास प्रेडिक्टर स्टेप है उसमें n की जगह 1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा u1 इक्वल y1 प्लस 0.1 इनटू y1 का स्क्वायर प्लस 2x1 माइनस x1 की पावर 4 है। अब आपने यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है, यानी y1 की वैल्यू यहाँ पर भी y1 की वैल्यू, यहाँ पर x1 की वैल्यू, यहाँ पर भी x1 की वैल्यूज। आपने x1 की वैल्यू जो है रियल फीड से लेनी होगी और y1 की वैल्यू आपने प्रीवियस आइटरेशन से लेनी होगी, ठीक है। और जब इन वैल्यूज को आप पुट कर लेंगे तो आपका आंसर कैलकुलेटर से ये आ जाएगा 0.0400, ठीक हो गया। फिर आपके पास जब ये u1 का आंसर 0.0400 आ गया, फिर उसके बाद आपने करेक्ट स्टेप में चले जाना है। तो इसके लिए आपने करेक्ट स्टेप में n की वैल्यू 0.1 पुट करनी है करेक्ट स्टेप में, तो ये आ जाएगा y2 इक्वल y1 प्लस 0.1 इनटू u1 का स्क्वायर प्लस 2x2 माइनस x2 की पावर 4। ये मैंने डायरेक्टली ना वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया हुआ है, आप जब कैलकुलेटर से परफॉर्म करेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये इसके आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप सभी स्टूडेंट ने परफॉर्म करना है तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये इसकी कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है। आपने स्टेप बाई स्टेप इसके ये जो स्टेप्स हैं खोल के अंडरस्टैंड करते हुए परफॉर्म करने हैं। तो मैंने ये डायरेक्टली लिखे हैं, आपने इनको एक्सपेंड करके राइट करना है, वैल्यूज पहले लिखेंगे, फिर आपने कैलकुलेटर सॉल्व करना है, फिर जो आंसर आएगा आपने जो मैंने आंसर निकाले हुए इनसे मैच कर लेना है, ठीक है। तो ये y2 का फिर आपके पास जब आप इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ गया 0.0600, यानी y1 की वैल्यू, u1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू आपने पुट करनी है, फिर ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो y1 है आपकी प्रीवियस आइटरेशन है, u1 आपके पास प्रेडिक्टर स्टेप का आंसर है, और x2 की वैल्यू रियल फील्ड में से हम ले रहे हैं। उसके बाद हम मूव करने लगे हैं फॉर थर्ड अप्रोक्सीमेशन। इसके लिए हम पुट करेंगे पुट n इज इक्वल टू, तो हम प्रेडिक्टर स्टेप में n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो ये आएगा u2 इक्वल y2 प्लस 0.1 इंटू y2 का स्क्वायर प्लस 2x2 माइनस x2 की पावर 4 है। फिर हमने इनमें वैल्यूज पुट करनी है, y2 की वैल्यू प्रीवियस आइटरेशन से आ जाएगी और x2 की वैल्यू आपके पास रियल फील्ड से आ जाएगी। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1002, तो ये आपके पास u2 की वैल्यू 0.1002 बन गई है, जो कि प्रेडिक्टर स्टेप है। फिर आपने करेक्ट स्टेप में आना है, तो इसके लिए आपने करेक्ट स्टेप में इनकी वैल्यू 2 पुट करनी है, तो y3 इक्वल हो जाएगा y2 प्लस 0.1 इंटू y2 का स्क्वायर प्लस 2x3 माइनस x3 की पावर 4 हो जाएगा, और ये इक्वल है 0.1202। यहाँ पर y2 प्रीवियस आइटरेशन की वैल्यू है, u2 की वैल्यू आपके पास प्रेडिक्टर स्टेप की वैल्यू है, और x3 की वैल्यू रियल फील्ड से हम ले रहे हैं, तो फिर आप कैलकुलेटर करके ये आंसर बना देते हो। ऐसे ही आपने सभी स्टूडेंट ने ये आइटरेशन नंबर 4 परफॉर्म कर लेनी है। इसके लिए आप n की वैल्यू 3 पुट करेंगे और प्रेडिक्टर स्टेप u3 का आपके पास रिजल्ट जो बन जाता है 0.1808 बन जाएगा। फिर आपने करेक्ट स्टेप में आ जाना है y4, इसके लिए ये ऐसे बन जाएगा और y4 करेक्ट स्टेप में इसका रिजल्ट आ जाएगा 0.2009। फिर आपने फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन की तरफ आ जाना है सभी स्टूडेंट्स ने, तो इसके लिए आप लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 4 और प्रेडिक्टर स्टेप इसके लिए बनेगा u4 इक्वल y4 प्लस 0.1 इंटू y4 रेज टू पावर 2 प्लस 2x4 माइनस x4 की पावर 4। फिर आपने इनमें वैल्यूज को पुट करना है तो आपके पास u4 का रिजल्ट बन जाएगा 0.2824। फिर आपने करेक्ट स्टेप में आ जाना है, तो y5 इक्वल हो जाएगा y4 प्लस 0.1 इंटू u4 रेज टू पावर 2 प्लस 2x5 माइनस x5 रेज टू पावर 4, ठीक है। तो इसके अंदर आपने वैल्यूज को पुट करना है तो y5 का आंसर आपके पास आ जाता है 0.3026। ये आपके यहाँ तक फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन हो गई है। अब ऑनवर्ड आपने सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन तरफ जाना है, पुट n इज इक्वल टू 5, तो u5 इक्वल हो जाएगा y5 प्लस 0.1 इंटू y5 रेज टू पावर 2 प्लस 2x5 माइनस x5 की पावर 4, और ये आपके पास आंसर ये रिजल्ट बन गया। ये आपके पास प्रेडिक्टर स्टेप का रिजल्ट बना है। फिर ऐसे ही y6 जो करेक्ट स्टेप है, इसके लिए ये आपके पास एक्सप्रेशन है और जो इसका रिजल्ट बन जाएगा 0.4261 हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही आपने सेवन्थ अप्रोक्सीमेशन को परफॉर्म कर लेना है सभी स्टूडेंट्स ने, तो ये ऐसे ही आपके पास u6 का आंसर आ जाएगा 0.5513 और करेक्ट स्टेप का आंसर y7 के लिहाज से आ जाएगा 0.5725, ठीक है। फिर आपने एट अप्रोक्सीमेशन परफॉर्म करनी है पुट n इज इक्वल टू 7, इसके लिए प्रेडिक्टर स्टेप u7 का आंसर आ जाएगा 0.7213
और करेक्टर स्टेप बाई 8 के लिहाज से आंसर आ जाएगा, जो रिजल्ट है इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आएगा 0.7436। फिर आपने 9th अप्रोक्सीमेशन की तरफ ऑनवर्ड मूव कर जाना है, पुट 10 इज इक्वल टू 8, तो इसके लिए हम प्रेडिक्टर स्टेप में एन की वैल्यू 8 पुट करेंगे, यू 8 प्रेडिक्टर स्टेप के लिहाज से, जो रिजल्ट बन जाएगा 0.9179। और करेक्टर स्टेप इसके लिए बन जाएगा y9 इक्वल, ये आपके पास एक्सप्रेशन होगा, और इसके लिए जो रिजल्ट बन जाएगा 0.9422। फिर आपने 10th अप्रोक्सीमेशन की तरफ आ जाना है, इसके लिए एन की वैल्यू हम 9 पुट करेंगे, और n इज इक्वल टू, जब 9 पुट किया तो इसके लिए ये प्रेडिक्टर स्टेप u9 इक्वल हो जाएगा 1.1454, ये बन जाएगा, ठीक हो गया। फिर आपने करेक्टर स्टेप y10 की तरफ आ जाना है, ये आपके पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, और इसका जो रिजल्ट बन जाएगा 1.1734 आ जाएगा। अगर आप गौर करें तो ये आपके पास वैल्यू किसकी फाइंड हुई है, y10 इज इक्वल टू y ऑफ x10, ठीक है, और x10 किसके इक्वल है, 1 के, तो ये आपके पास y ऑफ 1 का आंसर आया है। तो हमें y ऑफ 1 ही फाइंड करना था, क्योंकि हमारा जो इंटरवल है वो 0 से 1 तक जा रहा था, तो 1 तक हमने उसका आंसर को कैलकुलेट करना था, तो हमें y ऑफ 1 की वैल्यू बतानी थी कि क्या आती है। y ऑफ 1 का आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेट फॉर्म में 1.1734, ठीक है, y ऑफ 1 ये है, यानी y ऑफ 10 इज इक्वल टू y ऑफ x10, और x10 y ऑफ 1, x10 आपका 1 के इक्वल है रियल फील्ड क्लास से, तो y ऑफ x10 इज इक्वल टू y ऑफ 1, और y ऑफ 1 किसके इक्वल है 1.1734, हैंस व्हिच इज आर रिक्वायर्ड आंसर एज इम्प्लिसिट आयलर्स मेथड इन न्यूमेरिक सिस्टम ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इसका कंपैरिजन टेबल ड्रॉ करते हैं। कंपैरिजन टेबल इसके लिए ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, कंपैरिजन विद एग्जैक्ट सॉल्यूशन के साथ करना होता है, तो यहाँ पर मैंने ना एरर यहाँ पे फाइंड तो नहीं किया, लेकिन आपने फाइंड करना है। तो xn इक्वल है, ये रियल फील्ड की वैल्यूज़ हैं 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0, ये आपके पास x1 की वैल्यू है, ये x2 है, x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 एंड x10, ठीक है, ये x10 देखें 1 के इक्वल है। तो ये आपके पास जो yn है, इसके रिजल्ट जो आए थे, y ऑफ x1 का आंसर ये बन गया, y ऑफ x2 का ये आंसर बन गया, y ऑफ x3 का ये आंसर बन गया, y ऑफ x4 का ये आंसर बन गया, y ऑफ x5 का ये आंसर बन गया, y ऑफ x6 ये आंसर बन गया, y ऑफ x7 आपके पास ये आंसर बन गया, y ऑफ x8 आपके पास ये आंसर बन गया, y ऑफ x9 ये आंसर बन गया, y ऑफ x10 का ये आंसर बन गया, यही आपका रिजल्ट वेरीफाइड। उसके बाद हमने एग्जैक्ट सॉल्यूशन से इसका कंपैरिजन करना है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स की जगह जब आप x1 रखेंगे, यानी कि यहाँ पर x1 जब आपने रखना है एग्जैक्ट के अंदर, तो x1 की वैल्यू क्या है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर आपके पास ये आ जाएगा 0.01। फिर आपने ये x2 की वैल्यू यहाँ पर x की जगह रखनी है, तो x2 का स्क्वायर इट्स मीन 0.2 का स्क्वायर आपके पास 0.04 आ जाएगा। सिमिलरली आपने x की वैल्यू 0.3 यहाँ पर एग्जैक्ट सॉल्यूशन में रखनी है, तो आपके पास 0.3 का स्केयर 0.09 आ जाएगा, फिर 0.4 का स्केयर 0.16 आ जाएगा, फिर 0.5 का स्केयर 0.25, ऐसे 0.6 का स्केयर ले लेना है 0.36 आ जाएगा, फिर 0.7 का स्केयर 0.49 आ जाएगा, फिर 0.8 का स्केयर 0.64 आ जाएगा, फिर 0.9 का स्केयर 0.81 आ जाएगा, और 1 का स्केयर आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे ये मैंने यहाँ पर लाइन छोड़ी हुई है, यहाँ पर आपने लिखना है एरर इक्वल होगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में से एग्जैक्ट वैल्यू को माइनस कर दें, तो जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ऐसे ही एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट आंसर को एग्जैक्ट में से माइनस करें, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यानी कि ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे आंसर, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे आंसर, और ये थर्ड अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे आंसर, एंड सो ऑन, आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है। ये जो लास्ट लाइन मैंने स्किप की हुई है, ये आप सभी स्टूडेंट ने परफॉर्म कर लेनी है, ठीक हो गया। तो ये कंप्लीट 10 अप्रॉक्सीमेशन जो हैं आपने कंपैरिजन टेबल पर भी शो करनी है, और इनको आइटेशन के लिहाज से जैसे जैसे मैंने परफॉर्म किया आप सभी स्टूडेंट ने परफॉर्म करना होगा। और जो क्वेश्चंस आप सभी स्टूडेंट को पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया जा रहा है, आप सभी स्टूडेंट्स उनको अपने नोट्स के अंदर अच्छे अंदाज में सोल्व कर लेना है, ठीक है। होपफुली आर डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी स्टेप में किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा आर डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।